नमस्कार साथियों, मैं हूं जिग्नेश मेवाणी। आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। आज मुझे विधायक बने ठीक 3 साल हुए और सामने से चलकर प्रोएक्टिवली मैं मेरी पूरी टीम की ओर से, वड़गाम की जनता की ओर से अपना रिपोर्ट काम आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सामान्य तौर पर विधायकों से सबसे पहली जो तकलीफ जनता को होती है कि वो चुनाव जीतने के बाद कभी मुंह नहीं दिखाते। मैं बड़ी खुशी के साथ इस बात को शेयर कर रहा हूं कि चुनाव जीतने से लेकर अब तक करीब करीब सारे गांव में कम 2 से 3 बार मेरा दौरा हो चुका है। लोग अपने सवाल लेकर मेरी ऑफिस पे आए, उसके बजाय मैं अपनी ऑफिस जनता के बीच में गांव में, गांव की चौपाल पर, गांव के मोहल्ले में ले जाता हूं और फिर उनका सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी सवाल है उन सारे सवालों के ऊपर काम करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे चुनाव के कैंपेन के दौरान मेरे सामने आया था कि यहां पर एक मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब है। यदि मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब में नर्मदा के नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया जाए, उसमें यदि नर्मदा का पानी डाला जाए तो पूरा जो बेल्ट है, और न केवल वड़गाम, उसके अगल बगल के तहसील भी पूरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब की डिमांड यहाँ की जनता की बहुत ऑर्गेनिक डिमांड है, बहुत बेसिक डिमांड है। उस डिमांड को लेकर पिछले 3 साल के दौरान हमने लगातार कैंपेन किया। आज भी वो आंदोलन, वो कैंपेन जारी है और उसका एक परिणाम ये हुआ कि उसके मूवमेंट के प्रेशर के चलते हमारे यहाँ जो धरोई का डैम है उसका पानी 2 डजन से ज्यादा या 20-25 गांव से ज्यादा धरोई के डैम के पानी का स्टॉक यहाँ के किसानों को, यहाँ की जनता को मिल गया। तो मैं मानता हूं कि पानी की जो किल्लत है उसको रिजोल्व करने की दिशा में हम लोग बहुत ही दिलो जान से लगे, उसमें छोटी सी ये सफलता मिली है। मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब की लड़ाई हम लोग आने वाले दिनों में और भी आगे बढ़ाएंगे। ये पिछले 3 साल के दौरान करीब करीब 3,500 ऐसे परिवार हो गए जिन लोगों ने हमको अप्रोच किया था कि राशन उनको वक्त पे नहीं मिल रहा है। राइट टू फूड, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट है। यदि पेट में रोटी नहीं है तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इस सवाल के लेकर भी हम लोग बहुत काम किए और मुझे बहुत खुशी है आपके साथ ये शेयर करने में कि छोटा मोटा प्रयास करते करते लगातार 3 साल के अंदर 3,500 परिवारों जिनका राशन या तो नहीं आ रहा था या कम मिल रहा था, उन सारे परिवारों को आज राशन मिल रहा है। लॉकडाउन की पूरी इस क्राइसिस के दौरान भी हमने मजदूर वर्ग की जो परिस्थिति थी, वो जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे, तो उस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी मैंने हमारे मत क्षेत्र में 1600 परिवारों में, और वो भी जो हैंडीकेप है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, विडोज है, गरीब बहने हैं, माता है, उन सबको ढूंढकर जहां से कभी वोट की उम्मीद भी नहीं है, ऐसे परिवारों तक हम लोगों ने 1600 परिवारों तक राशन की किट इस लॉकडाउन के दौरान पहुंचाई। लॉकडाउन के दौरान मेरी टीम ने सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण काम किया और मैं मानता हूं मेरे पूरे 3 साल के पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि मनरेगा योजना में एक बहुत बड़ा स्कैम बनासकांठा जिले में, नॉर्थ गुजरात में चल रहा था, उस स्कैम को एक गांव में हम लोगों ने एक्सपोज किया और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि आज मेरे मतक्षेत्र वड़गाम के 110 ग्राम पंचायत में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां मनरेगा में स्कैम चल रहा हो। द करप्शन हैज नॉट, वी आर नॉट बीन एबल टू ब्रिंग इट डाउन, वी हैव बीन एबल टू वाइप इट आउट। वो पूरा मनरेगा योजना में से हम लोग पूरा स्कैम को, भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए और सामने से चलकर हमारी टीम ने जिन जिन लोगों को मनरेगा में रोजगार की जरूरत है, ऐसे करीब करीब 7,200 परिवारों को मनरेगा योजना का काम दिलाया है। एक परिवार में 3 और 4 सदस्य है ऐसा मान के चले तो 7,000 × 4 करते हैं तो करीब 20-25 हजार लोगों को इसका सीधा फायदा मिला। और मैं मानता हूं मेरी टीम ने इसमें बहुत ही जबरदस्त काम किया, पीने के पानी के सवाल को लेकर, राशन के सवाल को लेकर और मनरेगा के सवाल को लेकर। उसके साथ साथ यहां पर पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन में इंप्रूव हो, मेडिकल के कैंप्स किए, डायलिसिस के कैंप्स किए, कैंसर के कुछ पेशेंट का एक साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग हो उसको लेकर हमारी टीम सामने से उनको मिलकर गई है, उनके साथ डायलॉग किया है। कैंसर के कुछ पेशेंट्स यदि अहमदाबाद वगैरह में जाते तो वहां मेरी टीम अहमदाबाद के अस्पतालों में उनके साथ खड़ी रहती है और वड़गाम का मेरे क्षेत्र का कोई भी पेशेंट छोटी मोटी बीमारी को लेकर यदि जब भी अहमदाबाद जाता है और वहां उनको लंबी बीमारी के चलते लंबा रुकना पड़े तो यहां तक मेरे पिताजी भी वहां बहुत बार उनको लेकर, उनके पास टिफिन वगैरह लेकर पहुंच जाते हैं। तो पब्लिक हेल्थ का सवाल और एजुकेशन का सवाल, बहुत सी गांव में प्रोटेक्शन वॉल में हम लोगों ने ग्रांट दिया है, सड़कें बनवाई है, पेवर ब्लॉक का काम हुआ है, बोरवेल्स बनवाए, जो बोरवेल्स बंद थे वो चालू करवाए, कुछ वेल्स को रिचार्ज किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 2 साल जो भी बाकी है, इन 2 सालों के दौरान अभी तक हम लोगों ने जो घर का प्लॉट जिसको कहते हैं 100 चौरस वार का घर का प्लॉट और आवास योजना के मकान का लाभ करीब करीब 350-400 लोगों को मिला है, जो अब बाकी के 2 साल में 1,000 का आंकड़ा क्रॉस करेगा।
इस मुद्दे को लेकर हम लोग डिटरमाइन है और मनरेगा की योजना का काम है वो 10-12 हजार परिवार को मिलेगा और मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब में सचमुच पानी हम लोग लाके दिखाएंगे। तो ये मेरा छोटा मोटा रिपोर्ट कार्ड है। इसके साथ साथ असेंबली में गुजरात की जनता के जो भी सवाल है, चाहे वो फिक्स पे के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, दलित आदिवासी ओबीसी माइनॉरिटीज का सवाल हो, बहनों का सवाल हो, कस्टोडियल डेथ के सवाल हो, विद्यार्थियों के सवाल हो, इन सारों सवालों के ऊपर मैं असेंबली में अपनी बात रखता आया हूं। मैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता हूं तो वड़गाम की जनता के साथ साथ गुजरात के जो 50 लाख दलित है उनके साथ भी मेरा एक सरोकार होना चाहिए, उनके सवालों को लेकर भी मेरी कंसर्न होनी चाहिए। तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पिछले 3 साल के दौरान 3,200 बीघा जमीन जो गुंडों के कब्जों में गैरकानूनी तौर से कुछ गुंडों ने दलितों की जमीन हथिया कर रखी थी, इसी सारी जमीनों का पोजीशन हम लोगों ने वापस दिलवाया है। ये जमीन की मार्केट प्राइस गुजरात में 200 से 250 करोड़ होगी। तो सारे वंचितों की लड़ाई लड़ रहे और ये मेरा वड़गाम की जनता को, गुजरात की जनता को और मेरे जो भी समर्थक पूरे देश में, इनको मेरा ये 3 साल का रिपोर्ट कार्ड है। उम्मीद है कि मैं और मेरी टीम आने वाले साल भी, आने वाले 2 साल में दिलो जान से काम करेंगे और हमारा ये जो परफॉर्मेंस का कार्ड है और भी तगड़ा होगा और भी सक्षम होगा। आखिरी एक बात कहूंगा कि आप जब भी एमपी और एमएलए बनते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आपकी इंटीग्रिटी का होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं और मेरी पूरी टीम उनकी जो निष्ठा और इंटीग्रिटी है, उसकी जो ऑनेस्टी है, उसको लेकर जिस सरकार के खिलाफ हम लड़े, जिन सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ लड़े, वो भी हमारे खिलाफ एक पैनी का एलिगेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस इंटीग्रिटी के साथ हम लोग एक ग्रास रूट पॉलिटिक्स को खड़ा करने की कोशिश की है। अब तमाम साथियों का इतने सालों के दौरान बहुत समर्थन मिला, बहुत प्यार मिला, इसी प्यार और मोहब्बत के चलते मैं इस लड़ाई को, संघर्ष को आगे ले जाऊंगा और इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड कि आई विल रिमेन व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन और ग्रास रूट के कार्यकर्ता की तरह ही मैं काम करूंगा, कोई नेता की तरह नहीं। रिपोर्ट कार्ड और भी तगड़ा होगा, बढ़िया होगा, इस उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच।